सरकार से मिले प्रोत्साहन के चलते बुआई का रकबा बढ़ने के साथ अंतिम समय में भरपूर पानी की उपलब्धता से इस साल काला नमक धान के बंपर पैदावार के आसार हैं। खेतों में लहलहाती फसल को देखकर कृषि वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि काला नमक धान का उत्पादन दोगुना हो सकता है। भौगोलिक सूचकांक वाले कोरकपुर बस्ती व देवीपाटन मंडलों के 11 जिलों में काला नमक धान का क्षेत्रफल 70,000 हेक्टेयर में पहुंच चुका है, जबकि 5 साल पहले यह सिमट कर करीब 10,000 हेक्टेयर तक रह गया था। रकबे में इस वृद्धि का श्रेय योगी सरकार को जाता है। एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना में शामिल किए जाने के बाद इसकी ब्रांडिंग के कारण किसानों का रुझान काला नमक की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा। इस साल सिद्धार्थनगर जिले में 12,000 हेक्टेयर, गोरखपुर में 10,000, बस्ती में 9,000, कुशीनगर में 8,000, महाराजगंज में 8,000, देवरिया में 7,000, संत कबीर नगर में 6,000, बहराइच में 4,000, गोंडा में 4,000, बलरामपुर में 3,000 तथा श्रावस्ती में 2,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में काला नमक धान की खेती हुई है। इन जिलों के अलावा अयोध्या और बाराबंकी के किसानों ने भी काला नमक धान की खेती के प्रति उत्साह दिखाया है। कृषि और खास तौर पर काला नमक धान के क्षेत्र में शोध अनुसंधान करने वाली संस्था पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन PRDF की टीम ने सर्वे के बाद यह अनुमान लगाया है कि इस साल काला नमक की अब तक के रिकॉर्ड पैदावार होगी। टीम ने यह अनुमान फसल की बालियों की औसतन 30 सेंटीमीटर लंबाई देखकर लगाया है। काला नमक की 4 प्रजातियों KN3, बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102 तथा काला नमक किरण किसानों के खेतों में लहलहा रही है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RC चौधरी का कहना है कि इस साल काला नमक की खेती करने वाले किसानों की आमदनी गत वर्षों की तुलना में तिगुनी तक हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही मंशा भी है कि किसानों की आय में अभूतपूर्व इजाफा हो। डॉक्टर चौधरी काला नमक की खेती के संरक्षण और संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई ODOP योजना को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि करीब 3,000 साल पुराने बुद्धकालीन काला नमक चावल को इसके मूल स्थल सिद्धार्थनगर की ODOP में शामिल कर इसकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। काला नमक महोत्सव का आयोजन हो या फिर मेहमानों को इस चावल को गिफ्ट के रूप में देना, इसकी जबरदस्त ब्रांडिंग की, अब तो सिद्धार्थनगर में काला नमक के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC की स्थापना भी हो गई है। पड़ोसी के घर तक पहुंचने वाली खुशबू, बेजोड़ स्वाद एवं पौष्टिकता के लिहाज से आप काला नमक चावल को दुनिया का श्रेष्ठतम चावल माना जाता है। बुद्ध के प्रसाद के रूप में विख्यात काला नमक चावल अपने निहित पोषक तत्वों के चलते उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनेगा। काला नमक में अन्य प्रजाति के चावल की तुलना में 3 गुना अधिक आयरन, 4 गुना अधिक जिंक के साथ ही प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। कम ग्लूकोज के कारण इसे मधुमेह के रोगी भी भरपेट खा सकते हैं।